नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान बुधवार को खत्म हो चुका है। इन चार चरणों में आधी आबादी ने जिस तरीके से घरों से निकलकर वोट किया है, उन रुझानों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल डिम्पल यादव और जया बच्चन को चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या कारण है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। डिंपल यादव और जया बच्चन अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विधानसभा क्षेत्र सिराथू से कर रही हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल सपा से चुनाव लड़ रही हैं। सिराथू में बेटे और बहू की लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा बोलते हैं, जबकि पल्लवी खुद को सिराथू की बहू बताती हैं। जया बच्चन के ससुराल भी प्रयागराज का है। डिंपल 25 फरवरी को प्रयागराज की सिराथू, चायल और करारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यूं तो अभी तक पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए काम कर रही थी, मगर जब से बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों से महिला कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारा, तब से सपा के रणनीतिकार भी इस बात को सोचने को मजबूर हो गए। आपको बता दें, जिन जगहों पर चुनाव हुए हैं वहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं के प्रति आम जनसभा में वो नाराजगी भी नहीं दिख रही है और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं। सपा की नजर उस खास वोटर पर है जो उज्ज्वला गैस और कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 मार्च को काशी आएंगी और 3 मार्च को सपा के चुनाव प्रचार के सिलसिले में रैली भी करेंगी। डिंपल यादव भी मंच पर ममता बनर्जी के साथ रहेंगी। जी हां, ममता बनर्जी ने अपने लखनऊ दौरे के दौरान अखिलेश से खास तौर पर डिंपल यादव को प्रचार में उतारने के लिए कहा था। ममता बनर्जी यूपी चुनाव पर निगाह रखी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि बिना यूपी के कोई भी सियासी दल केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यूं तो अभी तक पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए काम कर रही थी, मगर जब से बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों से महिला कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारा है, तब से सपा के रणनीतिकार भी इस बात को सोचने को मजबूर हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जय हिंद।